सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आ करया।
गुरु माता ने छोटे से चने देकर के हमें जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेजा, और वहां पर लकड़ियां जब तोड़ रहे थे तो चने जो दिए थे उनको सुदामा अकेले खा गए थे। वो चने खा गए थे यार के साथ में, लेकिन रात को क्या हुआ, शाम हो गई, जंगल में रात बितानी पड़ी, बारिश तूफान आ गया, कृष्ण जी को भूख लगने लगी, पूछने लगे, जानते तो सब बातों को थे, लेकिन पूछने लगे कि भाई सुदामा, गुरु माता ने जो चने दिए थे वो कौन है। सुदामा कहने लगा कि वो तो मैं जब लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो एक पोटली खुल करके गिर गई, अब तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि हाँ वो चने मैंने खा ली, यार के साथ में धोखा किया। लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज आज उस बात को याद दिला रहे और अपने यार सुदामा को टोटे से कैसे मुक्त कर रहे, सुनेंगे तीसरी कड़ी में। श्री कृष्ण जी महाराज उन्हें तो सब बातों का भेद था। जी हाँ, गरीब आदमी कितना भी गरीब हो लेकिन अपनी गरीबी को दिखाना कोई नहीं चाहता किसी को। भक्त सुदामा वो जो पोटली में चावल दिए थे मिश्राणी ने, वो भी किसी पड़ोसन के से लाकर के वो पोटली सुदामा ने पीछे की तरफ छुपा ली। लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज को भेद था, कहने लगे रे यार सुदामा, गुरु माता ने जो चने दिए थे उनको भी अकेला खा गया, और मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ मेरे लिए देकर तुझे भेजा होगा, आज उसको भी छुपाना है। झपट्टा मारा, वो पोटली छीन ली। सुदामा इसलिए छुपा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो ये राजा लोग हैं, और इतने राज दरबार में आकर के तेरी इस पोटली को, तेरे इन चावलों को देख करके तेरी तफरी ना करने लगे, तेरी मजाक ना उड़ाने लगे, तेरी गरीबी की हंसी ना उड़ाने लगे, इसलिए सुदामा छुपा रहे थे। चौथी और अंतिम कली में श्री कृष्ण जी महाराज ने कैसे वो चावल खाए, कैसे सुदामा को दो लोगों का राजा बनाया, सुने के बोला। Oh,
देखो बस।